92 93 94 हाय, हमने तो पूरे 47,000 जमा किए थे सोने के हार के लिए, ये तो सिर्फ 9,400 है। अरे तू रॉन्ग समझिंग चोपा डार्लिंग, अरे हमने नोट चेंज कर दिया, ये देख ये 100 रुपीस का नोट नॉट होइंग, ये 500 का होइंगे। देख हाय 500, ये तो नोट पहली बार देख रहे हैं हम। हद कर दी हाय, किसने हद कर दी? वो मुआ टेलर, स्टूपिड इडियट। बहू, तेरे मुंह से ऐसी लैंग्वेज कभी नहीं सुनी। आई एम सॉरी पापा जी, लेकिन मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे गुस्से में तो की होया पुत्र, तेरे मुंह तो ऐसी गल अच्छी नहीं लगती। हाँ बीबी जी, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, जब भी बोलो हंस कर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। मीनिंग आप हंसिंग और बोलिंग मैडम, क्या गुस्सा क्यों? तेरी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, ये बड़ी सिफारिश कर रहा था उसकी, बहुत अच्छा कारीगर है, एक बार तो आप मटेरियल देकर देखिए। 2 हफ्तों से मेरा मटेरियल उसके पास पड़ा हुआ था, अभी तक मेरी ड्रेस तैयार नहीं की, मैं लेकर आई हूँ अभी। मशीन की सुई टूट गई, धागा खत्म हो गया, माप गुम हो गया, यही 3 बहाने होते हैं इन कामचोर टेलरों के पास। तुम्हें कौन सा बहाना बताया उसने? मेरे पास टाइम नहीं है। है? मुझे जवाब देने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है? ओ नहीं जी नहीं, ऐसा वो दर्जी ने कहा होगा कि मेरे को टाइम नहीं है। उसको टाइम नहीं था तो फिर काम ही क्यों लिया हाथ में? शादी के कपड़ों का ऑर्डर जो मिल गया बीच में, तो बनाता रहे शादी के कपड़े, शहर में और भी दर्जी है, कोई भी कपड़े सी देगा। यही कहकर तो बहू ले आई होगी अपने कपड़े, है ना? तो बस फिर झगड़ा फिनिश। अब तो गुस्सा किस बात का कर रही है? आप नहीं समझेंगे पापा जी। मैं नहीं समझूंगा, मैं क्या झूरी तलिया से आया हूँ? नहीं नहीं पापा जी, एक्चुअली बात क्या है ना कि आज संगीता के यहाँ पार्टी है। पार्टी है? हमें तो नहीं इनवाइट किया उसने। नहीं नहीं पापा जी, ये एक बिजनेस पार्टी है, ये भी सीधे ऑफिस से वहाँ पर आने वाले हैं, मुझे उनका सूट भी वहाँ ले जाना है। और क्या है ना पापा जी कि बोर्ड के सारे डायरेक्टर्स आएंगे, नई कंपनी के बारे में बहुत सी बातें तय होनी है। एक्चुअली मैं तो संगीता का हाथ बटाने ही जा रही हूँ, लेकिन पार्टी तो आखिर पार्टी ही है ना। और पार्टी जाने के लिए चाहिए नया ड्रेस। और नहीं तो की, पुराना ड्रेस पाके जाएगी तो संगीता हंसेगी नहीं, इसीलिए तो मैं सोच रही थी कि नया ड्रेस पहन कर जाऊंगी। लेकिन नया ड्रेस तो अरिजा टेलर ने सिया ही नहीं, इसलिए आ रहा है गुस्सा। गुस्सा थूक दे बहू, थूक दे गुस्सा, थूक ना थूक, ऐसे। अब तू पार्टी विच जाएगी और नए कपड़े पहनकर ही जाएगी। लेकिन पापा जी, ऐसा कोई टेलर नहीं है जो 4 घंटे में मेरा सूट सी के देगा। है, तेरे सामने है। पापा जी आप? मैं नहीं, मेरी किरण बाला। हाय बीजी, आपको सब काम जाना तो? हाँ पुत्र, कुछ काम इंसान शौक से सीखता है तो कुछ काम हालात सिखा देते। हालात? जब तक सूरज मेरे कोल सी, उस दे कपड़े मैं ही सीती थी। उसके ही नहीं, पूरे मोहल्ले के सीती थी ये कपड़े। तब तक, जब तक इसके पुत्र की पहली तनख्वाह इसके हाथ में नहीं आ गई, उस दिन से मैंने इसे कसम डाल दी, बस अब तो लोगों के कपड़े नहीं सिएगी, अब तो आराम कर आराम। पीजी, इतने सालों बाद आपने वो कसम तोड़ी मेरे लिए? मैंने तो बड़ा मजा आया इतने सालों बाद मशीन चला के। ले फटाफट पहन के दिखा, कुछ कम ज्यादा करना है। दीजी, ये प्यार तो जितना ज्यादा मिले उतना कम ही है। जीत रहे, नजर ना लगे बहू के ड्रेस को। रियली बीजी, मुझे भी सिखाइए ना कपड़े सीना। रहन दे पुत्र, साडा जमाना और सी, तुहाडा जमाना और है, तुझे कहाँ फुर्सत मिलने लगी बटन टाकने की, हेमिंग करन दी। गल तो ठीक है किरण की, या तो जनानी घर में बैठ के बटन टाके या फिर अपने पति के साथ पार्टियों में जाए, दोनों गला एक साथ नहीं कर सकती। और नहीं तो की, हुन मैनू कोई दसे कि गड्डी चला के खसम दे कपड़े लेके पार्टी पर जाओ? ना जी ना, ये मेरे बस दी गल नहीं है, ये तो आज की जनानियां कर सकती हैं। तैनू पता है आजकल कोई कवि चांद पर कविता क्यों नहीं लिखता? क्योंकि जनानी खुद जा बैठी है वहां चांद पर हवाई जहाज लेकर, पर पहले घर का खाना बनाकर गई है वो, और तो ठहरी, बड़ा काम बढ़ा लेता है बेचारी ने। इसलिए मैं कहता हूँ बहू, ये कपड़े सीने का काम गोली कर जा। लेकिन पापा जी, पति तो अपनी पत्नी में अपनी माँ को ही देखता है ना, और फिर जमाना चाहे कितना भी बदल गया हो, मुझे सारे काम आने चाहिए, फिर वो घर के हो चाहे बाहर के। अगर तू जिद करती है
तो आजकल एक आसान तरीका निकला है। क्या पापा जी? तेरी एक जीरोक्स कॉपी बना लेते हैं। हाँ, एक घर वाली एक बार वाली। ऐसा तो कोई गाना ही नहीं है। कुछ भी गाई है क्या स्टूपिड? मलयालम गा रहा हूँ ना स्टूपिड। मलयालम? हाँ। पर नहीं हो, नहीं झूठ ना बोली। मुझे तो ऐसे लगा जैसे बर्तन में पत्थर डाल के खड़खड़ा रहा है। मलयालम सॉन्ग नॉट अलाउड स्टूपिड। पंजाबी गाना अलाउड है तो मलयालम गाना भी अलाउड होना चाहिए स्टूपिड। तू स्टूपिड, तू खेल ही मत, तू मत खेल स्टूपिड। नहीं नहीं खेलती, जाओ। नहीं खेलना तो मत खेलो स्टूपिड। क्या कहा तूने? तूने अपनी बीजी को स्टूपिड कहा? मैंने आज तक किरण को कुछ नहीं कहा और तूने? तुसी कमरे जाओ। छोड़ दे मेनू किरण। नहीं शोभा, बच्चों को ले जा। जब अपने गलती करते हैं तो बड़ा बुरा लगता है ना जी। निक्कू की जुबान तो तीर बनकर चुभ गई है मेरी छाती में। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता किरण, कभी वापस नहीं आता। बुरे नहीं है जी बच्चे, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं तो यकीन है। छोटा जिया निक्कू मतलब भी नहीं जानता होगा लफज का, बस मुँह तो चढ़ा हुआ है दोनों के, इसलिए अनजाने में बोल गया जी। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। और तू कहेंगी माफ कर दो उसे? मेरे कहने से आप उसे तो माफ कर दोगे, लेकिन अपने आप को माफ कर सकोगे? मैं नहीं माफ कर सकोगे? क्यों क्यों, हम दोनों ने क्या किया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं किता सी, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। वो पहली बारी ये लफ्ज उन दोनों के मुंह से सुना थी, बस कान खींच के तभी उन्हें सीधा कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, हम दादा दादी हंस पड़े लाड़ से। बच्चों को पता ही नहीं चला कि उनसे कोई गलत बात हो गई है, बस मिल गई शे। मैं कहती वो हमारे पोता पोती हैं, उन्हें समझाना हमारा फर्ज है। समझ गया, तेरी गल का मतलब मैं समझ गया, पर तेरा ये इमोशनल भाषण बच्चे नहीं समझेंगे। उनको तो उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। हाँ। इसलिए तुझे बनना पड़ेगा मेरा मिट्ठू। मिट्ठू? हाँ, तोता। तोता तो वही बात रटता है ना जो बार बार उसके सामने कही जाए। इसलिए तू भी रट ले। क्या? वही स्टूपिड। दाल से ले आ स्टूपिड। हाय, लाते हैं बीजी, पर आप हमको स्टूपिड काहे बोल रही हैं? तो की करा, मेरे मुंह ते चढ़ गया है ना स्टूपिड। खाना क्या बनाया है बीजी? वही स्टूपिड आलू गोभी और स्टूपिड पनीर और स्टूपिड शोभा लेन गई है स्टूपिड दाल। मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ तो खाना स्टूपिड। और तेरा प्रा किते है? ओ स्टूपिड नू बुला। स्टूपिड, मैनू किसने पुकारा? आपको नहीं पापा जी, मैं तो निकू को बुला रही थी। अच्छा अच्छा, तू उस स्टूपिड को बुला रही थी, मैंने समझा तेरी बीजी मुझे बुला रही है। खाना लग गया? लग गया स्टूपिड। स्टूपिड? आपने भी मुझे स्टूपिड बोला और मैंने भी आपको स्टूपिड बोला, हो गया क्विट्स। डोंट माइंड निकू, ये शायद फिर से तुझे बोल दे स्टूपिड, इसकी जुबान पर चढ़ गया है ना स्टूपिड। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपके मुंह पे चढ़ा ही नहीं स्टूपिड। क्यों क्यों, मैंने कब बोला तुझे स्टूपिड? बोला नहीं तो बोल दोगे स्टूपिड। बंदा जब बार बार सुनेगा स्टूपिड स्टूपिड तो बोलने लगेगा ना स्टूपिड स्टूपिड। हाँ, ये लफ्ज ही ऐसा है स्टूपिड। तू किसको बोल रही है स्टूपिड, मुझे या लफ्ज को? मैं आपको क्यों बोलने लगी स्टूपिड? तुमने फिर बोला मुझे स्टूपिड। मैंने आपको नहीं बोला जी स्टूपिड। तुमने बोला मुझे स्टूपिड? नहीं बोला जी स्टूपिड। तूने बोला स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। भाई तेनू की हो गया स्टूपिड? आपको क्या हो गया पापा जी? इन्हें क्या हो गया स्टूपिड? बार बार स्टूपिड मत बोलो। क्यों नहीं? आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। तो क्या तेरे मुंह से अच्छा लगता है? निकू के मुंह से अच्छा लगता है। किसी के मुंह से अच्छा नहीं लगता। तो फिर तुम दोनों क्यों बोलते हो बार बार? तुम्हारी देखा देखी हम दोनों भी बोलने लगे। तो क्या हम लोग नहीं बोलेंगे स्टूपिड? तो आप भी नहीं बोलोगे? बिल्कुल नहीं।
अच्छा मैं आज से नहीं बोलूंगा। मैं भी नहीं बोलूंगी। क्या बोला ना नहीं बोलूंगी। आप भी नहीं बोलोगे? प्रॉमिस प्रॉमिस। बीजी आप भी प्रॉमिस करो। मैंने तो तेरे पापा जी ने कसम ली थी ये लफ्ज बोलने की, उन्हें बोले तो मैं कसम तोड़ दूं। तोड़ दे कहीं सच्ची तेरी जबान पर चढ़ गया तो। चलो चलो अब खाना खा लो, अगर ठंडा हो गया तो वापस गर्म करना पड़ेगा हमें। मुझे एक ग्लास पानी दो ना शोभा। हाँ मुझे भी शोभा, मुझे भी प्लीज। शोभा तुम दोनों के साथ तुम्हारे स्कूल में पढ़ती है? नहीं। तो क्या वो तुम्हारी हम उम्र है? नहीं वो कितनी बड़ी है। तो फिर तुम उसे उसके नाम से क्यों पुकारते हो? उसका नाम शोभा है। अपने से बड़ों को उनके नाम से नहीं पुकारते, चाहे वो जो भी हो, बड़े आखिर बड़े होते हैं। उन्हें इज्जत दो और उनसे प्यार लो। तो फिर हम उन्हें क्या बुलाए? आंटी, आंटी। नहीं वो अंग्रेज का पुत्र। शोभा को तुम दोनों उसी नाम से पुकारोगे जिस नाम से मैं उसे पुकारता हूँ। इलो तुम्हारा पानी रिया बेबी, और ये तुम्हारा निक्कू बाबा। थैंक यू पप्पी। का पप्पी? फूफी? तुम लोगों ने मुझे फूफी कहा? क्या इस रिश्ते से तो हम साहब जी की बहन हो गए। बीजी अब बता क्या बोलती है तेरी फूफी? फूफी तो लाजवाब हो गई पापा जी। पापा जी हम अंदर आ सके? ओ राजू पुत्र आजा आजा। सुना गल है? पापा जी हम आपसे थैंक यू बोलेंगे। नहीं आप बच्चों को सुधारेंगे वो स्टूपिड, और बच्चे भी शोभा को फूफी बोलेंगे अच्छा लगेंगे। एक्चुअली द होल थिंग इज दैट पापा जी कि क्या बच्चों की फूफी की शादी बच्चों के मामा के साथ हो सकेंगे? अच्छा अच्छा बच्चों ने तेरा नाम मामा रखा है, सूट करता है तनु। बाप बाप। हाँ वो बच्चे बोलेंगे कि हम मेम साहब के भाई मीनिंग मामा। लेकिन पापा जी अब शोभा होइंग साहब की बहन हम मीनिंग फूफी, तो हम होइंग फूफा ना नॉट मामा। हाँ तू मामा कैसे हो गया? हाँ पर अभी तू फूफा भी नहीं है ना। ये बड़ी गड़बड़ है तेरे रिश्ते में राजू, पता है क्यों? क्योंकि तेरी भाषा ही गड़बड़ है। The whole thing is that, पापा जी कि what गड़बड़ होएंगे माय भाषा? यही गड़बड़ है, जिस तरह ना तू हिंदी बोल सकता है ना अंग्रेजी बोल सकता है उसी तरह ना तू मामा है ना फुफा है। अगर हिंदी बोलनी है तो पूरी तरह हिंदी ही बोला कर। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश देन स्पीक इन इंग्लिश ओनली, डोंट मिक्स अप बोथ द लैंग्वेज एंड स्पॉइल बोथ ऑफ देम। Every language has its own beauty if it's spoken correctly. Understand? Hovan, okay, please, Tata. I hope I have spoken correctly. Papa ji, aap theek bolenge. Hum Hindi seekhenge, uske baad mein Hindi mein bolenge. Mm-hmm. But the whole thing is that, kya aap humko Hindi sikhayenge, please? Zarur. Kiran, suna tune? पहले मैं सिर्फ पोस्ट मास्टर था, अब बन जाऊंगा स्कूल मास्टर। राजू पढ़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा हिंदी। तुसी? हाँ? तुसी पढ़ाओगे हिंदी? तेरे विच इतनी हैरान होने वाली कड़ी गल है? तो इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर हिंदी पढ़ानी है तो हिंदी में बोलिए। तो हिंदी में चले मैं बोल रहा? आप पंजाबी में हिंदी बोल रहे हो? हाँ तेरा मतलब मैंने हिंदी बोलनी नहीं आती। इन्हू कहते हैं करदा जोगी जोगना ते बाहर दा जोगी सिद्ध है ना पुत्र। ओ सारा हिंदुस्तान जानता है कि मैनू हिंदी आंदी है ते चंगी तरह आंदी है। हैं तू किताब खोल मैं तेनू पढ़ाना है हिंदी। नहीं हम नहीं सीखेंगे पंजाबी में हिंदी बोलेंगे। तो पर तू सीखेगा किससे? राजू क ख ग घ अ आ इ ई ये सब तो तुम्हें आता ही है, और रही भाषा सीखने की बात तो कोई भी भाषा सीखने का एक ही रास्ता है, उसी भाषा में सोचो और उसी भाषा में बोलो, बोलते बोलते अपने आप आ जाएगी। है ये तो बड़ा आसान तरीका हिंदी सीखने का, मैं भी सीखूंगा। बैठ बैठ तू मैंने सिखाएगी ना पुत्र? पापा जी आपसे तो हमें सीखनी है आपके प्यार की भाषा। वो बाद में, तू पहले मैंने हिंदी सिखा। मम्मी होमवर्क मिला है, I have to write an essay on my mother. तो लिख ना फिर। आप पर लिखना है तो I need your help. नहीं नहीं पहले हमारी टर्न है, तेरी बाद में। अच्छा तो एक काम करते हैं ना फिर, जब तक मैं रिया को उसके निबंध में उसकी सहायता करती हूँ
आप दोनों भी उसी विषय पर कुछ क्यों नहीं सोच लेते हिंदी में? जैसे ही मेरी माँ इस विषय पर निबंध लिखकर पूरा हो जाए आकर मुझे सुना दीजिए। तू तो अभी भी बोलिंग सुनिंग लिख रहा है हिंदी में लिख हिंदी में। पापा जी आप मेरे निबंध में ताक झांक क्यों कर रहे थे? नहीं समझा? दुश्मन के खेमे में पहुंचकर ही दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। वाह पापा जी वाह, इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी नकल उतार रहे थे। तेरी नकल? तुझे तो हिंदी आती भी नहीं है, पर हाँ अभी अभी तू हिंदी बोला अच्छा। ओए इधर से पूरी फैमिली बैठी है हमारा इम्तिहान लेने के वास्ते। क्यों लिख लिया निबंध? कब का? तो सुनाइए। राजू पहले तू सुना। मैं? हाँ अच्छा। वहाँ खड़े रह के सुना। हाँ ताकि हम सब देख भी सके और सुन भी सके। चल मेरी माँ बहुत अच्छी है। मेरी माँ मुझे खाना खिलाती है, वो मुझे नए नए कपड़े ला कर देती है, माँ मुझे कहानियाँ भी सुनाती है और वो मेरे साथ खेलती भी है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। जब मैं मस्ती करता हूँ तो वो मुझे डांटती भी है, वो मुझे मारती है तो मुझे लगती ही नहीं। मेरी माँ मेरी शादी कराने वाली है, फिर वो तीर्थ यात्रा पर चली जाएगी तो मुझे मेरी माँ की बहुत याद आएगी। फिर शोभा उसे चिट्ठी लिखकर वापस बुला लेगी। द एंड। चलिए पापा जी अब आपकी बारी। तू आप ही पढ़ ले। नहीं नहीं आपको खुद पढ़ के सुनाना होगा। चलिए चलिए। मैंने शर्म आ दी है ना? हाँ तो शर्माते हुए पढ़ लीजिए। मैं कह दी जब तुम शर्मांदे हो ना बड़े ही चंगे लगते हो। कहते हैं ईश्वर ने जब संसार बनाया तब अपने हर एक बच्चे की देखभाल करने के लिए हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने बनाई माँ। माँ इस शब्द में ही कितनी पवित्रता है। एक दीवाने आशिक ने अपनी प्रेमिका के कहने पर अपनी माँ का कलेजा निकाल लिया। माँ का कलेजा हाथ में लेकर वो अंधा होकर दौड़ता चला जा रहा था कि अचानक ठोकर लगी, कलेजा हाथ से गिरा। लड़का दर्द से चलाया और माँ के कलेजे से आवाज आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? ऐसी होती है माँ। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरी माँ ने दोबारा इस धरती पर जन्म लिया है और इस जन्म में भी वो मेरे साथ है। मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती है, मुझे वक्त पर रोटी देती है, मुझे छींक भी आए तो वो डॉक्टर को बुला लेती है, मैं जब तक खाना ना खाऊं वो नहीं खाती, मुझे नींद ना आए तो वो भी जागती रहती है। मेरी अन्नपूर्णा माँ, मेरी लक्ष्मी माँ, जो इस जन्म में मेरी बहू बनकर आई है। ना पुत्र ना बेटों वाली माँ की आंखों में आंसू नहीं होते। चल किरण पांव छू अपने साथ के।